रेलवे स्टेशन से हम आ चुके हैं होटल में और यहाँ पर नहा धोकर हमने चेंज किया है और फिर बस अब हम तैयार होकर रेडी होकर निकल रहे हैं दर्शन के लिए। तो ये है हमारा जो आउटफिट है, हम लोगों ने सबने साड़ी पहना है, मतलब दो जन ने साड़ी नहीं पहना था। मैं यहाँ पे आपको खास बताना चाहती हूँ कि तीन तरह के यहाँ पर महाकाल में दर्शन होते हैं, 750 रुपीज़ के, 250 रुपीज़ और फ्री दर्शन। फ्री लाइन जो रहती है वहाँ पर आप किसी भी तरह का कोई भी कपड़ा पहन सकते हो और 250 में भी आप पहन सकते हो, साड़ी पहनेंगे तो बेहतर है। लेकिन अगर आप 750 का पास ले रहे हो और अगर आप गर्भ गुफा में जाना चाहते हो तो आपको 100% साड़ी पहनना ही है, यहाँ पर साड़ी पहनना अनिवार्य है। अगर आप किसी कारणवश साड़ी नहीं ले जाते हो तो यहाँ पर अंदर व्यवस्था है जहाँ पर आप साड़ी पहनकर जा सकते हो, मतलब आपको साड़ी, ब्लाउज, चनिया सब मिलेगा, पेटीकोट मिलेगा, आप वो पहनकर जाइए और उसके बाद वापस आकर उन्हें दे दिए, उसका कोई भी शुल्क नहीं है, वो फ्री है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ अगर किसी को पता नहीं हो तो वो वहाँ पर पे ना कर दे। और इसी तरह वहाँ पर जेंट्स के लिए भी जो है लुंगी है, यानी जेंट्स को लुंगी पहनकर जाना रहता है, उसकी भी वहाँ पर व्यवस्था है। दो रूम वहाँ पर बनाए गए हैं जहाँ पर एक तरफ जो है लेडीज़ कपड़े बदलती है और एक तरफ जो है जेंट्स कपड़े बदलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये सभी जो है अपने अपने कपड़े चेंज कर रहे हैं, जिनके पास नहीं है। मैं और मेरी नन साड़ी पहन कर आए थे तो हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं। तो ये अब हम लाइन में लगे, जिगजैग लाइंस हैं यहाँ पर काफ़ी सारी, मतलब अभी इतनी भीड़ नहीं है क्योंकि आज जो है रविवार का दिन है, अदरवाइज़ यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। बट आज संक्रांत है तो यहाँ पर नहीं है, बट अंदर काफ़ी भीड़ है। जहाँ तक मैं अपना कैमरा ले जा सकती हूँ वहाँ तक मैं अपना कैमरा ले जाऊँगी। उसके बाद जो हमारे साथ कर्मचारी हैं जो वहाँ के जानकार हैं, मैंने उन्हें अपना फ़ोन दे दिया है ताकि जो है आगे का शूट वो करें। तो ये सब मैंने आपकी पिक्स क्लिक्स करी। और ये देखिए ये रास्ते के बीच में ना एक कॉरिडोर जैसा हुआ है, प्रांगण बना हुआ है जहाँ पर बीच में तालाब है और मंदिर के चारों तरफ, मतलब सेंटर में बीच में, सॉरी चारों तरफ, ये गुफा का द्वार है जहाँ पर हम जा रहे हैं। तो बस अब यहीं तक जो है फ़ोन मेरे पास रहेगा और अब मैं जो है अपना फ़ोन जो हमारे साथ हैं जो हमें दर्शन करा रहे हैं उनको दे रही हूँ, क्योंकि हमने जो है 750 रुपीज़ के पास लिए हैं। तो चलिए दर्शन करते हैं और भस्म आरती देखते हैं। गर्भ गुफा से मैं बाहर आ गई हूँ और ये देखिए प्रांगण में आ गई हूँ। यहाँ पर बीच में तालाब है और चारों तरफ छोटे छोटे मंदिर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें छोटी छोटी शिवलिंग बनी हुई है जहाँ पर आप पंडित जी के द्वारा रुद्र अभिषेक करा सकते हैं, जिसकी राशि है 251 रुपीज़, 501 रुपीज़, जो भी आपके बजट में आप करा सकते हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप यहाँ पर सर्दियों में आ रहे हैं तो आप शॉल नहीं पहन सकते, आप स्वेटर नहीं पहन सकते हैं, आप टोपी और सॉक्स भी नहीं पहन सकते हैं, कोई भी गर्म कपड़ा यहाँ पर पहना नहीं जाता है। तो बेहतर है आप घर पर ही उतार कर आएँ, मतलब जो कि होटल है वहाँ पर उतार कर आएँ, क्योंकि अगर आप पहन कर आते हैं तो लाइन में जो है आपका वो सभी गर्म स्वेटर उतार दिया जाता है। और आप गर्भ गुफा में दर्शन करें तो आपके लिए साड़ी पहनना अनिवार्य है। भस्म आरती पार्ट टू कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अब तक आपने मुझे सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा ताकि आप मेरे और वीडियो देख सकें। लव यू एंड बाय बाय।